subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड टाइप का जो इसमें हम सोच सकते हैं, मतलब 3D में यही प्रॉब्लम किस तरीके से बनाई जाए वो आपको बताऊंगा मैं। मिरर यदि मोशन में, तो थर्ड केस यानी 3D में क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे सोचेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि आपको इस मिरर की वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से दी जाएगी, 2i + 3j + k, ये वेलोसिटी है मिरर की, चल रहा है मिरर इस बार, और एक ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, 6i + 9j - 2k, ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। तो इमेज की वेलोसिटी बताओ कितनी आएगी। आपको लगेगा डायरेक्ट कि यार इसको कैसे सोचे, तो 3D का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में तो हम कंपोनेंट भी ले पा रहे थे, पैरेलल कंपोनेंट हमें पता था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें पता था, तो थोड़ा सोचने का एक तरीका हमें पता था। अब इसको कैसे सोचे, ध्यान से देखो, इसमें जो वेलोसिटी xy प्लेन में 2i + 3j, इस मिरर की वेलोसिटी जो xy प्लेन में है वो कितनी है, 2i + 3j। xy प्लेन की वेलोसिटी कितनी है, 2i + 3j। उसी के पैरेलल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, उसी वेलोसिटी के पैरेलल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की xy प्लेन में, यानी xy प्लेन में दोनों की वेलोसिटी पैरेलल है, ऑब्जेक्ट और सॉरी मिरर और ऑब्जेक्ट। समझे क्या बता रहा हूं मैं आपको, ये जो मिरर है ये मिरर xy प्लेन में रखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया मिरर xy प्लेन में रखा हुआ है और इसकी वेलोसिटी ये है, मिरर xy प्लेन में रखा हुआ है और मिरर की वेलोसिटी ये है, क्लियर, xy प्लेन के पैरेलल, समझे ना, आप xy प्लेन में भी मान सकते हैं, t = 0 पे xy प्लेन में है। अब उसकी वेलोसिटी ये है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि xy प्लेन की वेलोसिटी 2i + 3j है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि मिरर के प्लेन में जो वेलोसिटी है, क्योंकि मिरर का प्लेन कौन सा है, xy प्लेन है, तो मिरर के प्लेन में वेलोसिटी कितनी आएगी, 2i + 3j, और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है, k, क्योंकि ये xy प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर z एक्सिस आएगा, तो यानी z एक्सिस की वेलोसिटी k है, 1k। तो मैंने इस मिरर की वेलोसिटी को दो तरीके से बाइफर्केट किया, एक तो उसके प्लेन में वेलोसिटी और एक उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी, जो पिछला आर्टिकल भी आपको बताया, ये मैंने समझा, उसने मेरे को क्वेश्चन में दिया है कि मिरर इज इन xy प्लेन, मिरर xy प्लेन में, तो ये वेलोसिटी इसके प्लेन में है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये समझ में आई मुझे। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखो, ऑब्जेक्ट की एक वेलोसिटी इस प्लेन के पैरेलल है, अगर ये xy प्लेन है तो xy वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 6i + 9j है, और 6i + 9j इस वेलोसिटी के पैरेलल है, इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6i + 9j आएगा, यानी इस वेलोसिटी में एक कंपोनेंट जो कि xy में है, इस वेलोसिटी में एक कंपोनेंट जो कि xy प्लेन में है वो है 6i + 9j, और दूसरा कंपोनेंट है 2k माइनस, तो अगर मैं इसको प्लस बोल रहा हूं तो इसको मुझे माइनस बोलना पड़ेगा, -2k था तो वो इधर लिख दिया मैंने, तो मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी ऐसे बाइफरकेट कर लिए मैंने कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मिरर के प्लेन में है, i कैप j कैप xy प्लेन को प्रदर्शित करता है, मिरर xy प्लेन में है तो ऑब्जेक्ट की ये वेलोसिटी मिरर के पैरेलल है, ये ऑब्जेक्ट, इसकी एक वेलोसिटी है, एक ही है। तो अब ये मैंने 3D का क्वेश्चन जस्ट जो मैंने 2D में आपको बताया था इससे पहले वाले आर्टिकल में, उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब आप क्या बोलोगे कि इमेज की एक वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, कौन सी, ये कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ये वेलोसिटी डायरेक्ट इमेज को मिल जाएगी। अब परपेंडिकुलर आंसर देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
इस वेलोसिटी को हटाना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, मतलब मैं मिरर पे जाके बैठ जाऊंगा, ये वेलोसिटी अपोजिट करके इसमें ऐड करूंगा 1k, तो कितना हो जाएगा 3k, इधर इधर नेट वेलोसिटी हो जाएगी 3k इस डायरेक्शन में, यानी माइनस के। अगर आप डायरेक्शन लिख रहे हो तो आपको के लिखने की जरूरत नहीं है, के हटा दो या फिर माइनस के लिखो, लेकिन मैं यहां डायरेक्शन दिखा रहा हूं, ये मैंने डायरेक्शन दिखा दिया इसको, ये डायरेक्शन है माइनस के गैप वाली डायरेक्शन, वन इधर माइनस के वाली, इन दोनों को जोड़ूंगा तो के इधर आएगा, ये माइनस के कैप की डायरेक्शन है। अगर लिखना भी चाहते हो तो माइनस के लिखो, क्योंकि ये के है। अब मैं बोलूंगा, मतलब ये जो मिरर में बैठा हुआ है वो बोलेगा कि इमेज की वेलोसिटी इधर आएगी, कितनी आएगी 3k, अपोजिट सेंस, मतलब इसका जस्ट अपोजिट इधर, और ये आंसर इसने दिया, तो ग्राउंड वाला बंदा क्या बोलेगा, ग्राउंड वाला बंदा बोलेगा कि इसमें 1k और ऐड करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी एज इट इज ऐड करनी पड़ेगी इसमें, ये आंसर इसने दिया। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आंसर देना है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आंसर देना है, तो मुझे ये वेलोसिटी इसमें ऐड करनी पड़ेगी, इसका मैग्नीट्यूड इधर था, डायरेक्शन ये थी, इसकी डायरेक्शन ये, तो ऐड हो जाएगा एज इट इज, यानी 4k कैप। तो आंसर जो आएगा इमेज का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो आंसर आएगा वो आएगा 6i प्लस 9j प्लस 4k। समझे, इस तरीके से आप आंसर देंगे अगर 3D में भी पूछा जाता है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 1D 2D और 3D में अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, हम रिलेट कर रहे हैं, क्लियर। हमेशा 3D में अगर क्वेश्चन देगा वो ऐसे देगा, वो प्लेन बताएगा आपको और इसके पैरेलल इसकी वेलोसिटी देगा, ऐसे वो क्वेश्चन हमेशा देगा आपको, समझे। इन दिस लेक्चर वील टॉक अबाउट द रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, मीन्स यदि इंसिडेंट रे को किसी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे क्या एंगुलर वेलोसिटी रखती है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो हम टॉपिक का नाम लिखेंगे रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे अबाउट इंसिडेंट पॉइंट। फिगर बनाता हूं, समझ में आएगा आपको क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे मान लेते हैं ये मिरर है, ठीक है, इस पॉइंट पे ऐसे हमने यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये इंसिडेंट पॉइंट है, तो इस पे रे ऐसे इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट एंगल आई, और रे इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर, और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऐसा होगा। तो यदि इस रे को घुमाया जाए क्लॉकवाइज ओमेगा से, तो ये रे रिफ्लेक्टेड रे अगर एंगल कम होगा तो ऐसे घूमेगी, है ना, और अगर इस एंगल के चेंज होने की रेट आई के चेंज होने की रेट ओमेगा है, तो आर के भी चेंज होने की रेट ओमेगा होनी चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन में आई बराबर आर होता है, समझे ना, आई इज इक्वल टू आर होता है। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा डी आई बाई डी टी, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, डी आर बाई डी टी के बराबर आना चाहिए, अगर आई कम होगा तो आर भी कम होगा, यहां ओमेगा ऐसे है तो आई कम हो रहा है, तो यहां अगर माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, इसका मतलब दोनों कम होंगे, समझे। तो इसका मतलब ओमेगा कुछ ऐसे लिख दोगे आप, ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल बी माइनस ऑफ ओमेगा इंसिडेंट रे, अगर आप वेक्टर में आंसर देना चाहते हैं, समझे। ये इधर जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे आप, इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, देखिए कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इसमें। एग्जाम्पल, ये एक मिरर है, यहां दीवार है, ये दीवार है वर्टिकल, अब इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस आपको दे देता हूं मैं डी, इस पॉइंट पर यहां एक टॉर्च है जो रे इंसिडेंट करती है, ऐसे
इस पॉइंट पर एक टॉर्च ने रे इंसिडेंट किया, ये टॉर्च है। लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, यहां स्पॉट बनेगा एक, वो आपको बोलेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है ओमेगा से। तो बताइए स्पॉट की स्पीड कितनी है दीवार पर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन वॉल। हम बोलेंगे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होना है, तो ये थीटा होगा, क्लियर। और यहां मैं लिख सकता हूं अगर ये डिस्टेंस एक्स है, स्पॉट की लोकेशन ओ के रेस्पेक्ट में एक्स है, तो मैं टेन थीटा बराबर लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी d इज इक्वल टू x tan थीटा, ये लिखा जा सकता है, क्लियर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्या d समय के साथ वेरी कर रहा है, नहीं, x और थीटा समय के साथ वेरी कर रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, d ये आ जाएगा जीरो क्योंकि d कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा जीरो, x वेरिएबल है, एक्स कम होता जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये बढ़ेगा तो एक्स नीचे कम आएगा, यानी ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है, अब दोनों वेरिएबल है समय के साथ, तो डिफरेंशिएशन यूवी मेथड से करेंगे, पहले एक्स का करेंगे डी एक्स बाय डी टी टेन थीटा एज इट इज, और फिर एक्स एज इट इज टेन थीटा करेंगे, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा, और फिर डी थीटा बाय डी टी क्योंकि थीटा वेरिएबल है, चेन रूल, क्लियर, समझे। अब यहां से मुझे पता है कि x dx by dt में x कमी हो रही है, स्पॉट नीचे आएगा, समझे, और स्पॉट अगर नीचे आता है किसी वेलोसिटी से तो उसकी वेलोसिटी को dx by dt बोला जाएगा क्योंकि स्पॉट की पोजीशन x है इस o के रेस्पेक्ट में, और पोजीशन का समय के साथ डिफरेंशिएशन स्पॉट का वेलोसिटी आएगी, तो स्पॉट की वेलोसिटी आएगी dx by dt, क्लियर। और x कम हो रहा है यानी नीचे की ओर आएगी, तो मैं लिखूंगा माइनस वेलोसिटी ऑफ स्पॉट क्योंकि x कम हो रहा है, x में डिक्रीमेंट हो रहा है इसलिए माइनस लिखा मैंने नीचे की ओर, तो ये वेलोसिटी ऑफ स्पॉट आएगी tan थीटा नीचे की ओर आ रहा है इसलिए माइनस आया है, प्लस x sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय dt, थीटा के बढ़ने की रेट कितनी है ओमेगा, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ स्पॉट जो आएगा वो आ जाएगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा ओमेगा अपॉन टेन थीटा, ये टर्म इधर जाएगा टेन थीटा नीचे आएगा। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, वन बाई कोस थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा बाई कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा एक्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू ओमेगा, यानी x cot थीटा इंटू ओमेगा। अब cot थीटा इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे अगर मैं cot थीटा लिखना चाहता हूं क्या लिखूंगा, x by d, अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे मैं cot थीटा लिखना चाहता हूं तो x by d आएगा, और भी अगर मैं x को लिखना चाहता हूं तो x को क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू आएगा d by x, यानी x बराबर आएगा d cot थीटा, ये लिख सकता हूं, तो x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं क्योंकि d कांस्टेंट है, तो d के टर्म में आंसर देता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ स्पॉट जो आएगा नीचे की ओर है ये वेलोसिटी, वो आना चाहिए d cot स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा, ये नीचे की ओर वेलोसिटी आएगी। अब थीटा आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको बोलेगा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर थीटा 30 डिग्री है तो स्पॉट की वेलोसिटी बताओ,
समझे, ऐसे फिगर बनाएगा, बोलेगा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये घूम रहा है, टॉर्च ऐसे घूम रही है और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो बताइए स्पॉट की वेलोसिटी कितनी है। तो यहां तक आ जाओगे आप, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, डी कॉन्स्टेंट है, थीटा के टर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, यहां क्या रख दूंगा मैं 30 डिग्री, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझे, तो इस तरीके से इस आर्टिकल पे क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरा आर्टिकल, इस बार मैंने इंसिडेंट रे को रखा है कॉन्स्टेंट और रोटेशन करूंगा मैं मिरर को, मिरर को रोटेट करूंगा इस बार, तो रोटेशन ऑफ मिरर अबाउट इंसिडेंट पॉइंट, सेम कहानी है, इंसिडेंट रे इस बार नहीं घूम रही है, कॉन्स्टेंट है, रुकी हुई है, स्टेशनरी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, समझे, ये मिरर है और मिरर को इस बार में घुमा रहा हूं, तो मिरर को मान लेते हैं मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं, तो मुझे देखना है कि ये कितना घूम जाएगी, जो ये रे होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये कितना घूम जाएगी, ये मुझे देखना है। ठीक है, इसका आंसर देने के लिए आपको थोड़ा फिगर अच्छे से बनाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि मैंने मिरर घुमा दिया, थीटा एंगल घुमा दिया मैंने मिरर, कितना घुमाया, थीटा एंगल मिरर मैंने घुमा दिया, ये थीटा है, तो बेटा नॉर्मल भी थीटा एंगल घूम जाएगा, ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा, आया ना, नॉर्मल भी थीटा एंगल घूम जाएगा, अगर मैं ये थीटा एंगल रखता हूं, मैं ये चेक कर रहा हूं कि अगर मिरर को थीटा घुमाया जाता है तो रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमती है, याद करो मैंने रिलेटिव मोशन में आपको बोला था कि अगर इस पुली से अटैच इस ब्लॉक को 1 मीटर नीचे खींचता हूं तो ये पुली कितना चलेगी, जिससे कि ये ब्लॉक कितना चलेगा, अब वही फंडा मैं यहां लगा रहा हूं, अगर मिरर की एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है मुझे ओमेगा मिरर, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी ये मुझे बताना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मिरर को थीटा चला देता हूं और फिर देखता हूं कि ये कितना चलता है, रिफ्लेक्टेड रे आई बराबर आर है और इसको मैं लिख देता हूं, एक एंगल लिख देता हूं, आई बराबर आर जो लिखा हुआ है इसको अल्फा लिख देते हैं, ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, ये थीटा है, तो अब मैं ये बोलूंगा कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो ये एंगल हो जाएगा, थीटा घुमाने पर इंसिडेंट एंगल ये हो जाएगा नया, तो अब रिफ्लेक्टेड रे इतने ही एंगल पे नजर आएगी मुझे, नहीं जो रिफ्लेक्टेड, ये पुराने इंसिडेंट रे तो वही रहेगी, ये फिक्स है, रिफ्लेक्टेड रे मुझे इतने ही एंगल पे नजर आएगी, ऐसे न्यू रिफ्लेक्टेड रे। अब मुझे ये बताना है कि ये एंगल कितना है, रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमी ये मुझे बताना है। अब जरा देखिए ये एंगल कितना है, ये बता सकते हो आप, ये एंगल आएगा अल्फा प्लस थीटा, ये टोटल एंगल आएगा अल्फा प्लस थीटा, ये एंगल है ये टोटल अल्फा, ये मुझे बताना है टोटल अल्फा प्लस थीटा है, सोचें कैसे बता सकता हूं मैं, क्योंकि ये अल्फा ये थीटा है, तो ये अल्फा प्लस थीटा है, इंसिडेंट एंगल अब अल्फा प्लस थीटा है, इसलिए रिफ्लेक्टेड एंगल अल्फा प्लस थीटा आएगा, ओके ठीक है, ये एंगल मुझे बताना है, ये टोटल एंगल कितना है, 2 अल्फा है, थोड़ा जस्ट सोचने दो कैसे कर सकते हैं, हो गया, देखो ये टोटल एंगल कितना है, यहां से लेके यहां तक ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल आएगा 2 अल्फा प्लस थीटा, ये टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये अल्फा प्लस थीटा और ये अल्फा प्लस थीटा, तो ये आएगा 2 अल्फा प्लस थीटा, और ये एंगल कितना है, ये टोटल एंगल 2 अल्फा, तो -2 अल्फा,
तो ये कितना आएगा, ये वो एंगल आएगा जो मुझे निकालना है बीटा। दोबारा बताएं, यहां से लेके यहां तक ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल आएगा 2α + 2θ, और ये टोटल एंगल 2α। तो ये कितना आएगा, इसमें से ये घटा दो तो कितना आया बीटा, 2θ है। इसका मतलब अगर आप मिरर को थीटा घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे दुगना घूम जाएगी और सेम सेंस में घूमेगी। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे का जो ओमेगा आएगा वो सेम सेंस में आएगा और दुगना आएगा मिरर का। ये बात आप यहां याद रखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में फ्रेम किया जा सकता है, मतलब मिरर को यदि आप ओमेगा से घुमा देते हो, इंसिडेंट रे कॉन्स्टेंट रखते हो, तो रिफ्लेक्टेड रे 2ओमेगा से घूम जाएगी सेम सेंस में। अगर आपने इसको थीटा नीचे घुमाया था तो रिफ्लेक्टेड रे 2θ घूमी है नीचे की ओर, समझे? तो इसका मतलब दुगना ओमेगा आएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है, समझे?